हेलो एवरीवन, आज हम ट्राई करेंगे जय की श्रॉफ जी की रेसिपी बैंगन का भरता। बैंगन समझ, मिर्ची डालने का अंदर और उसको ऐसे बना देगा काट, उसके अंदर लहसुन भी डालने का भोग के, मतलब घुसना चाहिए वो लहसुन और मिर्ची, उसको लेने का गौरी। अगर तुम नसीब है तुम लोगों का कि गौरी तुमको मिले कहीं से, मतलब गाय का जो सूखा हुआ, मालूम है ना बच्चे लोग गाँव का है, तुम लोग आदत है सबको गैस पे खाने का, ईजी है। बिल्डिंग के अंदर अपन गौरी बौरी लगाए तो अपने को निकाल देगा, तो गौरी पे रखने का वो और उसको कवर करने का गौरी से, थोड़ी देर के अंदर गेम बच गया। उसको लेके पीस देने का, उसके ऊपर सरसों का तेल नमक डालने का, वो भी बस सूखी रोटी एकदम टूटने वाली, और प्याज कैसे फोड़ के आराम से खाने का, टाइम लेने का खाने पे, जितना आराम से खाएगा उतना अपने शरीर को अच्छा लगेगा। अब हम खा के देखते हैं। बहुत टेस्टी है, जिनको मसाले पसंद नहीं है वो इस तरह से बना के खा सकते हैं। अब हम इस रेसिपी को थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ मैंने पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, हींग, ज़ीरा, चॉप की हुई प्याज, उसको सॉफ्ट कर लेंगे। उसी के साथ हम बेसिक मसाले इसमें ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, उसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसी के साथ ऐड करेंगे बैंगन का भरता, जो हमने पहले से ही बना के रखा था। भरते में हमने सॉल्ट डाल चुके थे, इसलिए हम यहाँ सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। ये भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और जो मसाले खाना पसंद करते हैं वो इस तरह से बना सकते हैं, और जो मसाले नहीं खाना पसंद करते वो जैकी श्रॉफ जी की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है। यहाँ हमारा भरता बनकर तैयार हो गया। चॉप हरी मिर्ची और हर धनिया मैंने ऊपर से स्प्रिंकल किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।